बीजेपी की ओर से लगातार लोकसभा चुनावों में हुई अपनी कम सीटों पर जिस तरीके से हार का यहां पर तमाम चीजें जो नजर आई है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और इसी मंथन से जुड़ी खबर भी सामने आई है जहां पर टीम ने सभी लोकसभा सीटों की समीक्षा शुरू कर दी। साथ ही टीम के कुछ सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय में भी भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई उनमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायकों और प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सांसदों के बीच विवाद को जिम्मेदार बताया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आत्ममंथन में जुटी हुई है। हार की वजहों को जानने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है, कई लेवल का बीजेपी सर्वे भी करा रही है। देखा जाए तो इससे पहले जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने हार को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश आलाकमान को सौंप दी है। हालांकि अब जो सर्वे चल रहा है या कह सकते हैं कि जो अब समीक्षा की जा रही है वो स्पेशल 80 के द्वारा की जा रही है। दरअसल 80 सीटों को लेकर बीजेपी ने एक टीम बनाई है जिसमें 80 लोग शामिल हैं। हालांकि उसमें से कई लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे और जो वहां के लोकल विधायक थे तमाम ऐसी जगहों पर ये बात सामने आ रही है, देखने को मिल रही है कि उनमें सामंजस्य न होने की वजह से बीजेपी वो सीट हार गई है। हालांकि देखा जाए तो इसके अलावा एक और सर्वे होगा और 25 जून तक ये जो पूरी रिपोर्ट है वो प्रदेश आलाकमान को सौंपी जाएगी। उसके बाद उन तीनों रिपोर्ट का मिलान कराया जाएगा और जो कॉमन चीजें होंगी यानी कि जो कॉमन वजह होगी उसको प्रमुख वजह माना जाएगा और उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।